द्वारका अगेंस्ट करप्शन .com की टीम WD-9 डिवीजन के ज्यूरिडिक्शन में सेक्टर 5 के एक रोड पर आई है, जिसका अभी नया नवनिर्माण किया गया है। वहाँ पर उस इलाके का हाल क्या है हम लोगों देखने आए हैं। देखिए, ये सड़क बनाई गई, ये लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, बहुत ही सही तरह से इन्होंने यहाँ बनाने का प्रयास किया है। लेकिन इस सड़क के किनारे जो नाला है, जो जिसकी अभी शायद डिसिल्टिंग भी की गई है, मैं कहूँगा कैमरा पर्सन को ये दिखाएं, अंदर में कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये नाला खुला हुआ है। इस तरह के कई जगह पे हमें ड्रेन कवर्स खुले हुए मिलेंगे, साइड में रखे हुए हैं। ये क्यों यहाँ रखे गए हैं ये हमारे समझ में नहीं आता, आखिरकार लोगों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों जी। ये ड्रेन कवर्स लगा दिए जाए, ये सिविक एजेंसीज की जिम्मेवारी है। यहाँ पर हमें बहुत कूड़े का ढेर भी मिलता है, जिससे ये समझ में आता है कि MCD और DDA दोनों यहाँ पर निरंकुश साबित हुई हैं अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने में। यहाँ पे ये काफ़ी गंदगी भी व्याप्त है और नाला हर जगह से, ये ड्रेन कवर खुले हुए हैं इस रोड पे, कम से कम ऐसे 25-30 साइट हैं जहाँ पे ड्रेन कवर आपको खुले हुए मिलेंगे। और हम लगातार इस रोड पे चल रहे हैं। इस एक और बड़ी बात कि जो ये रोड का लेवल है, जो रोड बनाया गया, ये उसके साथ में ये कैसे ये बनाया गया है, इसको थोड़ा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। क्योंकि अमूमन जो कच्चा पोर्शन होता है, रोड एक लेवल में होना चाहिए। ये हमें रोड कहीं पर ऊंचा और कहीं पे नीचा दिखता है। ये इतना इस तरह से ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन चुका है। हम लोग ये चाहेंगे कि DDA के अधिकारी इसका जल्द से जल्द संज्ञान लें और इसकी लेवलिंग कराएं। क्योंकि यहाँ पर बगल में ही स्कूल है, ये बगल में यहाँ पे सेंट्रल स्कूल है, यहाँ पर बच्चे साइकिल से मोटरसाइकिल से आते हैं और इस रोड का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है आने जाने के लिए लोगों के द्वारा। तो अगर ये इसी तरह से रहेगा तो ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है और रोड सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया WD-9 के द्वारा, WD-9 डिवीज़न के अधिकारियों के द्वारा। तो ये रोड का की मरम्मत तो इन्होंने कर दी, लेकिन उसके साथ में जो ये गड्ढे हैं, इनकी भरत का काम भी जल्दी से जल्द कराया जाए, जिससे लोगों की जान माल की रक्षा की जा सके। और साथ ही ये जो ओपन ड्रेन्स हैं, इन ड्रेन्स को भी जल्द से जल्द कवर किया जाए, इन हादसा होने से टल जाए। मैं रॉबिन शर्मा, कैमरा पर्सन सोनू के साथ द्वारका.com के लिए आपको इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता रहूँगा।